गाड़ी देखा तो ये रवि कौन कर रहा है थे और ओकरा बाद से जब से ही पुल बहल बटे और टूटल बटे तो लगातार पूरा बिहार में चर्चा के विषय बन गल बा कि रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एकर नाम दर्ज हो चुकल बा कि एक दिन में 3 गो पुल टूटल बटे। और ये खबर सुनला के बाद लगातार पुलिस महकमा में हड़कम मच गल बटे और SDPO साहब और SDM साहब और तमाम जितना बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी लोग बाटे पहुँच चुकल बाटे और पहुँचला के बाद इन्फेक्शन कल जाटे और जन पुल टूटल बटे वह लगातार एक दिन में 3 पुल अभी गिर गया। सर क्या मामला है, पहुँचे हुए हैं? बरसात का पानी था, नदी में भी पानी आया, उसके चलते ये पुराना पुल था जो क्षतिग्रस्त हुआ। सर एक चीज पूछना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि यदि नदी को यदि 40 फीट चौड़ा कोड़ा गया और 15 फीट या 20 फीट का जो पुल था पुराना पुल था तो इसको ध्यान नहीं दिया गया, उसको तो फाउंडेशन को कुछ मजबूत करने कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण कार्य विभाग को लिखा गया था इससे संबंधित, हम लोग का काम था गाद सफाई का कार्य था वो जो हम लोग के द्वारा किया गया और जिसपे जहाँ जहाँ पुल अवस्थित था उसको फिर ग्रामीण कार्य को बोला गया था जी, उनके द्वारा फिर ये सब अभी जो तत्काल काम नहीं किया गया था पुल के अगल बगल में हम लोग जो था मिट्टी का कार्य वो सब छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये जो 23 जून को जो गोड़ौली 22 जून को तो गोड़ौली रामगाढ़ा के बीच में पुल गिर गया 22 जून को, 23 तारीख से काम 22 तारीख के रात से ही काम लग गया था वो देवरिया और पड़ाइन टोला वाले पुल का, वहाँ मरम्मत का भी कार्य किया गया जहाँ आपके SDO साहब स्वयं रह करके उस अपने निगरानी में उस चीज़ को करवाए थे, वो भी पुल रात को टूट गया। उस समय तक तो पूरा सुरक्षित था, अब लगातार बारिश हो रहा है, फिर नदी में भी पानी आ गया है जिसके चलते लापरवाही किसकी मानी जाए, लापरवाही है ना इसमें? लापरवाही कहाँ किसी, मैंने मिट्टी कटाई हुआ तभी ना मैंने पुल गिरा, और खाने का अगर 2 रोटी खाने का किसी की क्षमता है उसको 4 रोटी खाएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं वो सब नहीं है, मिट्टी कटिंग से नहीं है, अगर नुकसान हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जान माल के अगर नुकसान होता तो जिम्मेदार कौन होता? मिट्टी कटाई तो मिट्टी तो ये तो इसका जितना सेक्शनिंग करना था वो तो कार्य हो गए है ना, अब इस पे पुल तो पुल बनाना चाहिए था ना, पुल को मजबूत करना चाहिए ना, पुल ग्रामीण कार्ड को लिखा हुआ था, हम लोग का गाद सफाई करना था इसलिए गाद सफाई हुआ, और जहाँ हम लोग मरम्मत किए थे उस पुल में वो पियर में कुछ हुआ नहीं, नहीं जहाँ देवरिया और हाँ। टोला वाले में क्यों तो पुल टूट के गिर गया, टूट गया जो हम पियर भी जो काम किए थे जी, आपने काम किया तो फिर अरे बोरा से काम किए, इसी बैग से काम किए, इसी बैग से काम किए, ऐसा नहीं कि हम वहाँ माने पक्का मटे, हाँ हाँ लेकिन फिर पुल टूट जा रहा है, पुल टूटे तो बहुत पहले का पुल 40 वर्ष पहले का पुल उसका फाउंडेशन ऊपर था, कटिंग हुआ नदी का कटिंग हुआ अपना लेवल में, 40 वर्ष पहले का पुल नहीं है, प्रभुनाथ सिंह सांसद हुआ करते, अब जब का ही बात हमने हम लोग तो अभी से बना हुआ पुल था 2004 कब का पुल है, फिर आप बना हुआ कार्रवाई के लिए बोले बनाने की ग्रामीण विभाग को दिए थे तो ग्रामीण विभाग नहीं, मतलब उसको लफड़ाई है ना, अब लापरवाही क्या है, पुल लिखा गया बनेबे करे वो बताएंगे, ये बात वो बताएंगे, आप बचने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं नहीं बचने हम लोग का सब नहीं नहीं हम लोग तो मिट्टी के गाद नदी का गाद सफाई करना था, गाद सफाई किया, हम लोग इस पुल से कोई मैंने था नहीं, हम लोग उसको माने आप लोग मतलब नहीं है, मतलब क्या क्या बात है, मतलब की बात उसमें नहीं है, माने पुल उनका काम है, पुल को हम लोग इन्फॉर्म कर दिए थे कि नहीं पुल है इसका ये क्रिए, अभी अब सब सारी बातों को यदि छोड़ा देखा जाए छोड़ा दिया जाए तो एक चीज पूछा जाए कि अभी लोगों का इस पुल के टूट जाने जहाँ अभी आप खड़ा है सिकंदरपुर और नौतन के बीच में, ये पुल से प्रतिदिन कम से कम हजारों लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, तत्काल व्यवस्था क्या करेंगे अभी आपके? तत्काल व्यवस्था इसमें क्या किया जाएगा, अभी तो इसको बंद किया जाएगा, अभी तत्काल जो आगे वाला पुल है उसे आगे वाला पुल तो दह गया है सब, तो अंग्रेजों के जमाने का कहाँ था, वहाँ आकाशी में, आकाशी मोड़ यहाँ जाने में कितना समय लगेगा जरा गाँव के लोग बताएंगे, अब तो जो है उसी के बारे में हम कहेंगे, अभी फिलहाल अभी पुल के कहाँ बात बताएंगे, अब जो पुल है उसके बारे में हम क्या